हेलो फ्रेंड, मैं नाना मदन अंसारी। आज हम सीखने वाले हैं इस तरह से डिजाइन बनाना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बाजू डिजाइन है। ये बाजू डिजाइन आप किसी भी बाजू में बना सकते हैं, कुर्ती सूट ब्लाउज किसी में भी बना सकते हैं इस तरह से डिजाइन। तो फ्रेंड यही आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से बनाया जाएगा। उससे पहले हम आपको ये बता दें, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या होगा हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड हमको इस तरह से एक बकरम लेना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम बकरम ले लेंगे और उसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए 6 इंच, तो ये डबल फोल्ड है तो 3 इंच इधर से आएगा हमारा चौड़ाई। और फिर इधर से 6.5 इंच लेना है हमको, यहाँ से हम 6.5 इंच ले लेंगे और इस तरह से एक फोल्डर करेंगे। तो ये 4 फोल्ड हो गया, मतलब 4 बार हमने फोल्ड किया है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो 4 फोल्ड हो गया ये। यहाँ से हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे 3 इंच पे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमको इस तरह से एक शेप दे देना है। तो ये शेप देके हम इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। शेप जो हमने दिया है उसी को हम काट देंगे इस तरह से, जो कि हमको डिजाइन बनाने में काम आएगा। तो इस तरह से हमने काट दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम काट लेंगे और इसको अलग कर देंगे, 2 करना है इसको, तो बीच से हम इसको भी 2 कर देंगे इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं इसको भी हमने 2 कर दिया है। अभी हमको एक कपड़ा लेना है, इस तरह से हम कपड़ा लेंगे और इसको भी डबल फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा उल्टा होना चाहिए, डबल फोल्ड करेंगे उल्टे कपड़े को, इस तरह से काट के निकाल लेंगे। और उसके बाद हमको ये बकरम रखना है इसके ऊपर, इस तरह से हमको इसी के हिसाब से काट के निकाल लेना है। तो दूसरा वाला सेम उसी तरह से हम काट के निकाल लेंगे और उसके बाद हमको इसमें अटैच करना है। तो ये डबल कपड़ा है हमारा, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको रख के इसमें अटैच करेंगे, इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमको सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है इसके कपड़े के ऊपर, इस तरह से हम अटैच कर देंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमको अटैच करना है। तो हम जो भी हमारा सेफ है उसी के हिसाब से सिलाई चलाना है आराम से, बहुत ही ईजी है ये डिजाइन बनाना। आप भी बना सकते हैं ये डिजाइन, आप सूट में कुर्ती में ब्लाउज में और पैंट की मोली में भी बना सकते हैं इस तरह से डिजाइन। तो इस तरह से हमको बनाना है। और दूसरा वाला भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनेगी, आप देखना फ्रेंड। तो इस तरह से हमको सिलाई लगा के निकाल लेना है। अभी हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी हमारा रहेगा उसको हम इस तरह से काट के निकाल देंगे, सब आधी इंच मार्जिन देके हमको सारे कपड़े काट देने हैं इस तरह से एक्स्ट्रा वाले। तो इस तरह से हमने कपड़ा काटना है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, और दूसरे का भी हम सेम उसी तरह से आधी इंच मार्जिन छोड़ के सारे कपड़े एक्स्ट्रा जो भी रहेंगे हम काट के निकाल देंगे उसको। तो इस तरह से वो भी निकालना है हमको। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमको आधी इंच मार्जिन छोड़ के कपड़ा निकाल देना है। इस तरह से हमने कपड़ा निकाल दिया एक्स्ट्रा जो भी था हमारा, और उसके बाद हम इसको पलटेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पलट लेना है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस तरह से हमको पलट लेना है। फ्रेंड ये डिजाइन बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, आप भी बना सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करें इस डिज़ाइन को, आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। और उसके बाद हमको क्या करना है, इसको हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर से एक सिलाई हमको इस तरह से लगाना है, जिससे क्या होगा हमारा बैठ जाएगा बकरम, जो इसके अंदर हमने डाला है बकरम को, वो बैठ जाएगा बहुत सफाई के साथ, हमारा लुक आएगा तो ये बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। इसीलिए हमने ऊपर से भी एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम एक सिलाई ऊपर से भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमको ऊपर सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से हम सेम दूसरे में भी इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, इस तरह से हमको कपड़े को नीचे से देखते हुए सिलाई लगाना है, इधर उधर ना दबे हमारा कपड़ा जो भी रहेगा। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया, अब काट के निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा इस तरह से आएगा। अभी क्या करना है फ्रेंड, हमको नाप लेना है, जो भी हमारा फिटिंग रहेगा तो हमको फिटिंग के हिसाब से नापना है। जो भी फिटिंग बनाना रहेगा तो हमको 11 इंच बनाना है। तो इस तरह से हम 11.5 इंच पे रखेंगे, तो 11.5 इंच पे रखे हैं तो हम इसको इसी तरह से अटैच कर देंगे दोनों को एक साथ। और उसके बाद यहाँ से हम निकाल लेंगे, फिर यहाँ से भी हमको 0.5 इंच मतलब हमारा दबेगा, तो हमारा ये हो जाएगा 11 इंच। तो इस तरह से हम नाप के दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं 5.5 इंच ये आया है, तो 5.5 का डबल हो गया आपका 11। तो इस तरह से हम इसमें भी एक सिलाई लगा लेंगे, ये अटैच हो जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं, तो इस तरह से बैठ जाएगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा हो गया है, 11 इंच रेडी होगा। तो इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। अभी हमको क्या करना है, ये अपना बाजू लेना है, ये हमारा बाजू है,
तो इसमें भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे, इसी में हमको इसमें अटैच करना है, तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। 5.5 इंच आया है तो 5.5 इंच इसको भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर से हम पूरा यहाँ से साइड में सिलाई लगा लेंगे, तो हम बाजू के सिलाई मतलब बाजू में साइड सिलाई लगा लेंगे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस तरह से हमको सिलाई लगाना है अपने बाजू में, तो पूरा हम साइड सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। 5.5 इंच जो भी हमारा फिटिंग आया उस हिसाब से हम मार्क लगा के निशान लगा के इस तरह से हम डबल सिलाई लगाएंगे, मजबूत रहेगा हमारा। मजबूती के लिए हमने डबल सिलाई लगाया है और उसके बाद यहाँ एक निशान लगाएंगे कट का, और वो हमारा सेंटर रहेगा। तो सेंटर में हमको इस तरह से ये आना चाहिए सेंटर में, तो इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे और सेंटर मिला लेंगे। हमारा सेंटर आप देख सकते हैं जो हमने कट लगाया है इस तरह से सेंटर है, तो यही सेंटर है हमारा और इस तरह सेंटर पे आना चाहिए ये वाला डिजाइन। और उसके बाद हमको इसी सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है। इस तरह से हम सिलाई लगा के इसमें अटैच करेंगे, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है सिलाई लगा के इसमें अटैच करना। इस तरह से हम घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे, इस तरह हमको घुमाते हुए सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह सिलाई लगाना है, इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह घुमाते हुए। दो बार हमने सिलाई लगा लिया इसमें, तो इस तरह से हमारा सिलाई हो गया है। अभी आपको दिखा रहे हैं इस तरह से हमारा तैयार हो गया। अभी हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं कितना ही ब्यूटीफुल लुक आया है इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा बाजू डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से बना सकते हैं आप। इसी तरह हम सेम दूसरा भी बना लेंगे, इस तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा है, तो दोनों बना लिए। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो।